पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर से उत्तर प्रदेश की सियासत में उबाल आ गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जहां झांसी पहुंचकर योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, वहीं पुष्पेंद्र के परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए कहा कि पुष्पेंद्र के पास घूस कांड का सबूत था, इसी वजह से दरोगा ने उसे मार डाला। उधर इस मामले में अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी योगी राज को जंगल राज करार दिया है। झांसी पुलिस के हाथों मारा गया पुष्पेंद्र यादव झांसी के करगुआ गांव का रहने वाला था। उसके पिता CISF में थे। पिता की आंखों की रोशनी चले जाने के बाद पुष्पेंद्र के बड़े भाई रविंद्र को उनकी जगह नौकरी मिल गई थी, जबकि पुष्पेंद्र का एक और भाई दिल्ली मेट्रो में नौकरी करता है। घर वालों के मुताबिक पुष्पेंद्र के पास दो ट्रक थे जिनसे वो बालू और गिट्टी की ढुलाई करता था। परिवार वालों की माने तो झांसी पुलिस ने पहले तो पुष्पेंद्र के खिलाफ फर्जी केस दर्ज किया और फिर उसे फेक एनकाउंटर में मार दिया। परिजनों के मुताबिक पुष्पेंद्र का जो भाई दिल्ली मेट्रो में नौकरी करता है, पुलिस ने उसके खिलाफ भी हत्या की कोशिश का फर्जी मामला दर्ज किया है। उसे इस बात का पता तब चला जब वो अपने भाई पुष्पेंद्र की मौत की खबर सुनकर झांसी आया था। करगुआ गांव के तमाम लोग अब पुष्पेंद्र यादव के समर्थन में खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि झांसी के SSP और थाना इंचार्ज ने मिलकर पुष्पेंद्र की हत्या की। 7 अक्टूबर की शाम को झांसी के DM शिव सहाय अवस्थी, SSP OP सिंह और ADG प्रेम प्रकाश गांव में पहुंचे। मृतक के घर वाले मांग कर रहे थे कि आरोपी पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो, तभी पुष्पेंद्र यादव का अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन जिला प्रशासन ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की और 24 घंटे के इंतजार करने के बाद खुद ही उसका अंतिम संस्कार कर दी। आपने एक तो एक मासूम बच्चे की हत्या कर दी, जिसके खिलाफ आज तक किसी भी थाने में एक NCR दर्ज नहीं है, उसके बावजूद आप हम लोगों को भी अपराधी समझ रहे हैं। हम लोगों को गेट के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है, गेट में ताला लगाए हुए हैं। हमें जो हमारे बच्चे की दाह संस्कार कर दिया, उसको भी उस अंतिम दर्शन नहीं करने दिए जा रहे हैं। क्या तमाशा हो रहा है ये, आज तक इतिहास में ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। वहीं पुलिस का कहना है कि पुष्पेंद्र मोठ थाने के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र चौहान पर हमला करने के बाद उनकी कार लूटकर भाग रहा था। पुष्पेंद्र का सामना पुलिस से हुआ और वह एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस के मुताबिक उसके दो साथी भाग निकले थे। पुलिस का यह भी आरोप है कि पुष्पेंद्र की कार से दो तमंचे, कारतूस और मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। पुष्पेंद्र के परिजन पुलिस के आरोपों को गलत बता रहे हैं और परिवार वाले इस मामले में न्याय चाहते हैं। उनका आरोप है कि पुष्पेंद्र के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी, कभी किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन पुलिस ने उसे अपराधी बताकर मार डाला, उसके खिलाफ फर्जी केस दर्ज किए। अब इस मामले में सियासत भी गर्मा गई है। सपा प्रमुख और पूर्व CM अखिलेश यादव भी इस मामले में कूद पड़े। उन्होंने योगी सरकार और पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बुधवार को अपने समर्थकों की भारी भीड़ के साथ अखिलेश करगुआ गांव पहुंचे और पुष्पेंद्र यादव के परिजनों से मुलाकात की। अखिलेश ने पुष्पेंद्र के परिवार से वादा किया कि समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। अखिलेश यादव ने फर्जी एनकाउंटर की जांच सिटिंग जज से कराए जाने की मांग उठाई है। अब कौन सही है या कौन गलत है ये तो जाँच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर योगी सरकार के लिए गले की फांस जरूर बन गई है।